हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता। वेलकम टू माय चैनल। हमारे आज के टॉपिक होंगे रजिस्टर्स इन सीरीज, रजिस्टर्स इन पैरेलल, और उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना और बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, वरना आपको बहुत से टॉपिक समझ नहीं आएंगे। सो अब हम इलेक्ट्रिसिटी का अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है रजिस्टर्स इन सीरीज। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, ये R1, ये R2 और ये R3। इनको हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये मेरा सेल हो गया, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो करेगा उस करंट को हम I ले लेते हैं। अब जो करंट यहाँ से निकलेगा, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसका पूरे का हम पोटेंशियल डिफरेंस V ले लेते हैं, और जो करंट होगा वो सब में सेम फ्लो करेगा, यानी पूरे सर्किट में I करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अगर मैं पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस की बात करूँ तो मैं पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगी, तो R टोटल मेरा क्या हो जाएगा, मैं तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर लूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, जितने भी रेजिस्टेंस मेरे को सर्किट में दे रखे हैं मैं उनका सम कर लूँ, तो ऐसे मेरा पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा सीरीज़ में। सीरीज़ रेजिस्टर्स इन सीरीज़ मतलब कि हमें जो रेजिस्टेंस होगा उनको सीरीज़ में लगाना पड़ेगा, यानी एक के बाद एक। अब हम बात करें इसमें करंट की, तो करंट मेरा जो सेल से स्टार्ट हुआ वही जाके सेल पे एंड हुआ, यानी टोटल करंट जो होगा पूरे सर्किट में वो सेम फ्लो कर रहा है। तो यानी अगर मैं बात करूँ सीरीज़ में करंट का क्या टाइप रहेगा, तो करंट जो होगा मेरा सीरीज़ में वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा सीरीज़ में जो करंट रहता है वो पूरे सर्किट में कैसा रहता है, सेम रहता है। यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ, सेम करंट यहाँ गया, सेम यहाँ, सेम यहाँ, सेम यहाँ, पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा मेरा वो सर्किट में कैसा होता है, सीरीज में डिफरेंट, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सीरीज में करंट हमारा सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है। अब मुझे सेल का अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो मेरे पास फॉर्मूला होता है V=IR। ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से आया था, ओम्स लॉ से, ठीक है। जिन बच्चों को रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ इनके बारे में नहीं पता, मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से वो वीडियो को देख सकते हो। अगर मैं सेल की फॉर्मूले की बात करूँ तो सेल का मेरे पास क्या होगा, वी, ठीक है, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो सेल पे सेम रहेगा, आई करंट पूरे सर्किट में सेम फ्लो हो रहा है, और जो रेजिस्टेंस होगा सेल के लिए वो हम यूज़ करेंगे टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, जो हमने यहाँ पे निकाला, ये हम सेल के लिए यूज़ करेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस RT। अब मैं इस R1 रेजिस्टेंस की बात करूँ, ठीक है, R1 रेजिस्टेंस में करंट क्या फ्लो कर रहा है हमारा, I, क्योंकि करंट क्या है पूरे सर्किट में सेम है, तो R1 रेजिस्टेंस में जो करंट है वो I फ्लो कर रहा है, तो V क्या हो जाएगा, V हमने पढ़ा था कि क्या होता है, V है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सीरीज़ में कैसा रहता है, डिफरेंट रहता है। तो यानी V1 मेरा क्या हो जाएगा, I की जगह हम I लिखेंगे, क्यों, क्योंकि करंट जो है वो सेम है, तो पूरे में I फ्लो होगा तो हम I लिखेंगे। R1 की बात करें, हम रेजिस्टेंस वन रेजिस्टेंस पे कितना हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो हम रेजिस्टेंस वन लिखेंगे, ठीक है। सेम अगर मैं R2 रेजिस्टेंस की बात करूँ तो R2 रेजिस्टेंस में भी सेम करंट फ्लो कर रहा होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा V2=I, क्योंकि करंट सेम है, और हम रेजिस्टेंस 2 के लिए निकालेंगे तो R2 हो जाएगा। फिर अगर मैं वहीं पर R3 वाले रेजिस्टेंस की बात करूं तो R3 के लिए भी क्या होगा, करंट सेम है, तो V3 हमारा क्या आ जाएगा, IR3। ओके, ये हमारे तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूले आ चुके हैं। R यानी रेजिस्टेंस, जो सीरीज़ में हमारे पास रेजिस्टेंस होंगे वो एक के बाद एक के बाद एक ऐसे अरेंज होंगे, ठीक है। अब ये जितने भी होंगे, अगर मैं इसको एक सेल से कनेक्ट कर लूँ रेजिस्टेंस को,
तो इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो होगा, जो करंट है वो जो हमारा स्टार्ट हुआ है और जो एंड तक वो सेम करंट है, ठीक है। तो करंट हमारा सीरीज में चेंज नहीं होता, करंट सेम रहता है। वहीं पर ही बात करें हम पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सीरीज में डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर मुझे आर टोटल, क्योंकि जो सेल है सेल टोटल रेजिस्टेंस के ऊपर वर्क करेगा, तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हम सीरीज में निकालेंगे, जितने भी रेजिस्टेंस हमें दे रखे होंगे हमें उनका सम कर लेना है, ठीक है। तो हमारा आर टोटल निकल जाएगा, यानी टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। वी इक्वल्स टू आई आर, ये वाला फॉर्मूला हमें ओम्स लॉ से मिला था, ठीक है। अब हम सेल के लिए अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो उसके लिए फॉर्मूला जाएगा वी इक्वल्स टू आई आर टी। बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि सेल के लिए आपको रेजिस्टेंस क्या लेना है, टोटल रेजिस्टेंस लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर हमें वी वन, यानी अगर मैं आर वन पे अपना पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूँ कि आर वन पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो सिंपली क्या करूँगी, करंट सेम रहता है, आर वन के लिए जो भी रेजिस्टेंस होगा हम उसको करंट से इंटू कर देंगे, यानी वी क्या हो जाएगा, वी रेजिस्टेंस वन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, आई आर वन। आर टू रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास आई आर टू, और सेम रेजिस्टेंस थर्ड जो है हमारे पास उसके लिए हमारे पास हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस आई आर थ्री, ठीक है। अब इसको हम एक न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें इसमें क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस इन बोथ रजिस्टर्स, हमें इन दोनों रजिस्टर्स पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस और इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दे रखी है, हमें यहाँ पे रजिस्टेंस दे रखा है, हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है सेल का, ठीक है, और करंट हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, क्या निकालना है हमें, आर टी यानी टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, तो हम आर वन प्लस आर टू करते हैं, आर वन प्लस आर टू, हमें आर वन कितना दे रखा है 3 ओम और आर टू हमें दे रखा है 3 ओम, 3 ओम 3 ओम कितना हो जाएगा टोटल 6 ओम, तो हमारा आर टी निकल गया 6 ओम। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, करंट फाइंड आउट करेंगे कि करंट क्या है, क्योंकि करंट पूरे सर्किट में कैसा रहता है, सीरीज में सेम रहता है, तो हम करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारा करंट कितना आ जाएगा, तो वी इक्वल्स टू आई आर टोटल, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना दे रखा है 12 वोल्ट, आई हमें गिवन नहीं है, आर टी टोटल कितना है हमारे पास 6 ओम। अब ये करंट और 6 मल्टीप्लाई होंगे तो हम इसको नीचे डिवाइड में ले आते हैं 6 को, तो करंट हमारे पास आ जाएगा 6 × 2 = 12, तो हमारा करंट कितना आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम इस वाले रेजिस्टेंस के लिए जो हमारा आर वन है और ये हमारा आर टू है, हम अब इनके लिए क्या फाइंड आउट करते हैं, अपना पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने बताया था आपको कि वी वन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आई आर वन, तो वी वन हमारा कितना आ जाएगा, आई आर वन, वी वन हमें निकालना है, करंट हमारे पास है 2 और आर वन हमें कितना दे रखा है 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 × 2 = 6, तो 6 वोल्ट हमारे पास आ गया कहाँ पे, आर वन पे। नेक्स्ट हमारे पास है वी टू, यानी ये वाला, तो वी टू के लिए हम कैसे निकालेंगे, आई आर टू, तो आई कितना है हमारे पास 2 एम्पियर और इस पे भी हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 2 = 6 वोल्ट, ठीक है। तो हमने दोनों रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, तो वी वन हमारा 6 वोल्ट और वी टू भी हमारा कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस इन 2 ओम रजिस्टर, यानी अब यहाँ पे सबसे पहले अब हमें 3 रजिस्टेंस दे रखे हैं, एक ये 3 ओम वाला रजिस्टेंस है, एक 2 ओम रजिस्टेंस है और एक 1 ओम रजिस्टेंस है, ठीक है। ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक। अब हमें इन्होंने बोला है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, लेकिन 2 ओम रजिस्टर पे, यानी इस वाले रजिस्टर पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हमें क्या निकालना है, आर टी यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारे सर्किट पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ओके, हम तीनों रजिस्टर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 3 + 2 + 1,
तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 6 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा टोटल। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, अब हमें वी इक्वल्स टू आई आर टी यानी पूरे सर्किट में टोटल करंट क्या फ्लो हो रहा है हमें वो फाइंड आउट करना पड़ता है। यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है नेक्स्ट स्टेप में, हमारा करंट। तो हमें सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 12 वोल्ट, तो हम 12 लिख देंगे। करंट हमें गिवन नहीं है, टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया 6 ओम, तो हमारा करंट कितना आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा तो 2 एम्पियर। ठीक है, फिर से हमारा करंट कितना आया, 2 एम्पियर हमारा करंट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जो प्रीवियस न्यूमेरिकल हमने करा था उसमें हमें दोनों रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने थे, पर इस बार हमको सिर्फ 2 ओम रजिस्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी सिर्फ यहाँ पर। तो यानी अगर मैं बात करूँ V2 की, तो V2 मेरा कितना आ जाएगा, IR2। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, करंट कितना है 2 एम्पियर और R2 हमारे पास कितना है, यानी वो वाला रेजिस्टेंस जिस पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो हमारे पास है 2 ओम। तो 2 डालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट हमारा कितना आ गया, 2 ओम रजिस्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको इस 3 ओम रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ता तो कैसे करते हम, तो V1 होता हमारा कितना, IR1, और हमारा क्या होता, I हमारे पास कितना है 2, और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 3, तो 3 × 6 वोल्ट हमारा V1 पे आता। अगर हमें यहाँ पर निकालना होता 1 ओम रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमें क्या करना पड़ता, करंट जो कि है 2 एम्पियर और इसी का रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस कितना है 1, तो 2 × 1 = 2, तो 2 वोल्ट यहाँ पर हमारा आ जाता पोटेंशियल डिफरेंस। यानी आपको इसमें क्या करना है, अगर आपको करंट दे रखा होगा तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पर जो भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जिसका भी, करंट से और उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। बट अगर आपको करंट नहीं दे रखा तो उसके लिए आपको सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद आपको करंट निकालना है, और करंट जब आ जाएगा तब आप जिस भी रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा आप वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। ठीक है, तो V1 के लिए IR1, V2 के लिए IR2 और V3 के लिए IR3।